वेलकम बैक टू माई चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक से बात करने वाले हैं वो है कि आपका पीरियड जो है टाइम से पहले कभी भी क्यों आ जाता है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो महिलाओं में देखने को अक्सर मिलती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके होने के क्या रीजन है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पीरियड टाइम एक ऐसा टाइम है जो आपका हर महीने आता है और रेगुलर आता है, और इसका रेगुलर होना भी जरूरी है। लेकिन अगर आपके पीरियड जो है हर कभी आ जाए, टाइम से पहले आ जाए, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें बहुत सारे काम रहते हैं और हम अपने पीरियड डेट के अकॉर्डिंग ही उनको करते हैं और डेट फिक्स करते हैं। लेकिन हमारे पीरियड अगर पहले आ जाए तो हमारी सारी प्लानिंग जो है रखी रह जाती है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पीरियड है वो जल्दी क्यों आ रहा है और इसके लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। वैसे तो पीरियड अगर आपके हेल्दी है और टाइम टू टाइम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एक तरीके से पीरियड खुद ही इंडिकेट कर देते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे ही आपकी बॉडी में गड़बड़ चलती है, पीरियड आपके इनरेगुलर हो जाते हैं या फिर स्पॉटिंग होने लगती है या हैवी हो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं, यानी कि वो खुद ही बता देते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपके पीरियड में गड़बड़ चल रही है तो बिना देरी किए आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें। चलिए जानते हैं कि आपके टाइम से पहले क्यों आने लगते हैं। इसके कुछ रीजंस की हम बात करें तो इनमें कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसके कारण से आपके जो पीरियड है वो जल्दी आने लगते हैं। यहाँ पर हम कुछ मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात होती है प्यूबर्टी से शुरू करते हैं। प्यूबर्टी एज यानी कि जिनके बच्चियां हैं जिनके पीरियड जो है अभी शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के जो पीरियड होते हैं वो टाइम टू टाइम नहीं चलते हैं। उनका पीरियड का टाइम कभी एक महीने में दो बार आ जाते हैं, कभी छः महीने में भी नहीं आएंगे, साल में भी नहीं आएंगे, कई बार एक महीने में दो या तीन बार भी आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। जब आपका हॉर्मोन्स का लेवल जो है अभी बन रहा है और आपका ग्रोथ चल रहा है तो ये सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, इसी कारण से आपके जो पीरियड है वो जल्दी आने लगते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो उनसे बात करिए और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये उनको समझाइए। कुछ दिनों में या एक साल के अंदर ही जो आपके पीरियड है रेगुलर हो जाते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे उनके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें सप्लीमेंट दे सकते हैं या फिर आप डाइट में आयरन रिच जो फूड होते हैं वो दे सकते हैं, कैल्शियम रिच दे सकते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह आप दे सकते हैं। तो इस टाइम पर उनको ये सभी चीज़ें देने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करती है। दूसरी रीजन होता है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज या प्री मेनोपॉज क्या होता है, यानी मेनोपॉज के आने के पहले की जो एज होती है उसे प्री मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ये इंडिया की बात करें तो 45 के बाद ही अक्सर महिलाओं को आती है, लेकिन आजकल की जनरेशन में बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें कि 30 या 35 पर भी पेरीमेनोपॉज होने लगता है, जिसके कारण से आपका जो पीरियड है धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, फिर टाइम बढ़ने लगता है, फ्लो भी कम होने लगता है और स्किप हो जाते हैं। इसके साथ में आपको मेनोपॉज के जो सिम्टम होते हैं वो सभी आने लगते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस होना, अचानक से पसीना छूटना या बहुत ज़्यादा नींद आना या बिल्कुल नींद ना आना, या थकान होना, सांस फूलने की समस्या होना, बाल झड़ना, ये सभी चीज़ें जो हैं चेंज होने लगती हैं। अगर आपके सिम्टम आ रहे हैं तो समझ जाइए कि ये पेरीमेनोपॉज चल रहा है, और कंफर्म करने के लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं, आपकी एज की अकॉर्डिंग को देखते हुए वो कुछ ट्रीटमेंट भी आपको दे सकते हैं, जो कि हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है या फिर आपके पीरियड को रेगुलर करने के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट रीजन एसटीआई, यानी एसटीआई यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन आप कह सकते हैं। तो ये सभी होते हैं संक्रमण की वजह से, जिसके कारण से आपको ये सभी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तो जो लोगों के साथ में ऐसा होता है उन लोगों को भी कई बार पीरियड जो है टाइम से पहले आ जाते हैं या महीने में दो बार भी आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कैसी होती है, जो कि आपके पीरियड के मिड एज में होती है, मिड टाइम में होती है, और ये दो तीन दिन के लिए हो सकती है और ये कभी भी हैवी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, स्पॉटिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत हो सकती है। तो ये इम्प्लांटेशन की वजह से होता है और इसको अक्सर लोग पीरियड समझ लेते हैं।
क्योंकि ये कभी कभी 2 या 3 दिन हो जाती है किसी को, तो उन्हें लगता है कि ये पीरियड चल रहा है, रेगुलर तौर पे हमें ब्लीडिंग हो रही है, जो कि इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट चीज होती है आपका मिसकरेज हो जाना, यानी कि आप मिसकरेज हो जाता है, तो ऐसे में आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ में दर्द और मरोड़ के साथ में पीरियड आते हैं, और ये पीरियड ही होते हैं क्योंकि मिसकरेज की वजह से आपका जो भी इकट्ठा हुआ होता है यूट्रस में वो सभी निकलता है और बिल्कुल पीरियड की तरह ही आते हैं, और पीरियड जितने टाइम में ये बंद भी हो जाते हैं। अगर आपको इसके बाद भी ये चलते रहते हैं, आपको बार बार रुक रुक के स्पॉटिंग होने लगती है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें और दिखाएं, क्योंकि हो सकता है ये सिम्टम होता है कि आपका जो मिसकरेज है पूरी तरीके से सही से नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ क्लॉट्स या कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको ये पीरियड बार बार रुक जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज होती है PCOS, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट, यानी कि यूट्रस में आपकी सिस्ट बन जाती है, ओवरीज में सिस्ट बन जाती है, जिसके कारण से जो है आपके पीरियड जो है कभी भी आ जाते हैं या फिर आपको ब्लीडिंग कभी भी होने लगती है पीरियड के अलावा, जैसे कि लोग पीरियड समझ लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन होती है एंड्रोमाइट्रोसिस, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले पीरियड आते हैं। इसके अलावा उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कभी भी हो जाती है और इसके कारण से उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे महीने में 2 या 3 बार पीरियड आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसका अभी तक प्रॉपर पूरा तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका अगर कहें कि जड़ से इलाज वो तो नहीं है, लेकिन आपको होने वाली तकलीफें जरूर कम की जा सकती हैं, तो इसके लिए आप डॉक्टर से जरूर मिलें और ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल डिसीज होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप इसको नहीं कराते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में आपको माँ बनने में समस्या होती है। सारी जो दिक्कतें हैं प्यूबर्टी को छोड़ के सभी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि आपको आगे जाके जो है माँ बनने में दिक्कत हो सकती है, चाहे वो इन्फेक्शन की बात हो, चाहे PCOS की बात हो, चाहे एंड्रोमेट्रियोसिस की बात हो, यानी कि आपका पीरियड जो साइकिल है अगर रेगुलर नहीं है और टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्यूचर में दिक्कत देगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चा चाहते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले यही चीज़ जो है ठीक करनी पड़ेगी। इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हॉर्मोन्स को बैलेंस करके कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, तो आप हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। आप बाहर की जो चीज़ें होती हैं, पैक्ड फूड होते हैं, ज़्यादा तीखे मसाले वाली चीज़ें जो होती हैं वो ना खाएं। एक फर्टिलिटी को ख़त्म करने और फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ मसाले हैं, उनको आप यूज़ करें, और इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो यूट्रस है पूरी तरीके से हेल्दी हो सकता है। इसके अलावा कुछ इसमें बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और उनके बताए अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो ये आप ले सकते हैं, और जिसके बाद में आपको इन सभी दिक्कतों से काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा और कई प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से सॉल्व भी हो जाएंगे। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।